one question that we have got from our viewer, and that is from New Delhi. Vihan wants to know, and this is a question I'm sure has been asked at least 100 times to you. What is your multi-bagger stock selecting mantra? Okay. तो मेरा मंत्र बड़ा सिंपल है जी, जैसे आपने बोला कई बार आप पूछ चुके हैं, ठीक है, तो जितनी बार आप पूछेंगे मैं उतनी बार ये बताऊंगा मेरा नाम विजय केडिया है। तो ये ऐसी बात है। तो मैडम, तो मेरा सिंपल मंत्र है जी, स्माइल, जो मेरा, जिसको मैंने कॉइन किया, नाम दिया उसको स्माइल, स्मॉल इन साइज, मीडियम इन एक्सपीरियंस, लार्ज इन एस्पिरेशन, एक्स्ट्रा लार्ज मार्केट पोटेंशियल। मैं एक ऐसा शेयर को चुनता हूं जो 15-20 साल से मार्केट में टिका हुआ है, जिसने 2, 3, 4 उतार चढ़ाव मार्केट में देख चुके हैं, जिस मैनेजमेंट ने और जिस कंपनी ने, तो उसमें ऐसे लगता है कि कंपनी फेल नहीं होने वाली है। और उस कंपनी को शेयर, जब वो कंपनी को, तो ये हो गया स्मॉल इन साइज। और स्मॉल इन साइज का मतलब पेनी स्टॉक की बात मैं नहीं करता हूँ, उस सेक्टर के अंदर में जो भी छोटा शेयर है, चाहे नंबर 5वां हो या नंबर 6वां हो, उस सेक्टर के अंदर में उसको मैं बात करता हूँ। चाहे 4000 करोड़ की भी कंपनी हो सकती है, वो भी स्मॉल इन साइज है, कि दूसरी कंपनी उसी सेक्टर में 4 लाख करोड़ की है, 40,000 करोड़ की है, तो वो स्मॉल इन साइज रहना चाहिए। मीडियम इन एक्सपीरियंस की 15-20 साल का जो मैनेजमेंट को एक्सपीरियंस होना चाहिए, ताकि वो उसमें उतार चढ़ाव देख लिए। और लार्ज इन एस्पिरेशन, वो जो मैनेजमेंट का जो एस्पिरेशन होता है जी, वो किक होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कि आप मैनेजमेंट समझिए 500 करोड़ के टर्नओवर बैठा है, तो उसको लग रहा है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे को 2000 करोड़ का टर्नओवर करना है 10 साल में, 5 साल में, और फिर 4000 करना है, रीजनल से नेशनल बनना है, नेशनल से इंटरनेशनल बनना है। तो ये लार्ज इन एस्पिरेशन जरूरी है। और सबसे ज़्यादा जरूरी होता है मैम, वो ये है कि एक्स्ट्रा लार्ज मार्केट पोटेंशियल, कि अपने को क्या करने का ना, कि तालाब के अंदर में क्रोकोडाइल को नहीं ढूंढने का, अपने को समंदर में मछली को ढूंढने का है, कि जो जिसके पास में पूरा समंदर हो नापने के लिए। तो ऐसा एक्स्ट्रा लार्ज मार्केट पोटेंशियल उसके प्रोडक्ट की होने चाहिए, कि आज वो समझिए 2000 करोड़ के टर्नओवर पे खड़ा है, लेकिन वो जिस फील्ड में है वो फील्ड है 50,000 करोड़ का या 2 लाख करोड़ का, तो वो कंपनी के पास में गुंजाइश है बड़ी बनने की। और मैं सीधा ग्रोथ पे ध्यान देता हूँ कि हाँ भाई, ये कंपनी ग्रो करेगी कि नहीं करेगी। एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ, मैं मेरी लाइफ में वेट करता हूँ कि कोई एक जो पुराना एथलीट या कोई एक ऐसी कंपनी जिसने अपना एक कीर्तिमान स्थापित किया है, वो कंपनी जब डब्बे में आती है, क्योंकि ये साइकिल होता है इकोनॉमी का, वो कंपनी जब प्रॉब्लम में आती है जिसने बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया, मैं उस कंपनी में मेरी आंख लगा देता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये वापस कब उठेगी। उस वेट में कभी कभी 5 साल वेट करना पड़ता है, कभी कभी 7-8 साल भी वेट करना पड़ता है, 10 साल भी वेट करना पड़ता है। जब वो कंपनी टर्नराउंड की स्थिति में आती है, वो सेक्टर टर्नराउंड की स्थिति में आता है और वो कंपनी जिंदा रहती है वापस मैच खेलने के लिए, मैं उस कंपनी पे बड़ा इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में लगाता हूँ। मेरे लिए ऐसा भी वर्क किया है। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.